हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूही अग्रवाल। आज मैं आपको बताऊंगी कि पकौड़ी वाली कढ़ी कैसे बनती है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे झटपट से बना सकते हैं। सबसे पहले हम पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया हुआ है। मैंने तकरीबन आधा कप बेसन लिया है। उसमें हम पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका हम ज़्यादा पतला बैटर नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा गाढ़ा। को हम अच्छे से फेंट लेंगे हाथों से। जब तक कि एकदम हल्का नहीं हो जाता तब तक हम इसे फेंटते रहेंगे। हमारा बेसन मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा कटोरी में पानी लेके डाल के इसमें चेक करेंगे कि हमारा बेसन फिटाया है कि नहीं अच्छे से। ये देखिए ऊपर आ गया है, मतलब कि हमारा बैटर अच्छे से एकदम बन के तैयार हो गया है। अब हमारी पकौड़ी बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट बनेगी। अब हमने जो बैटर बनाया था उसमें थोड़ा सा लाल मिर्चा डालेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधे छोटे चम्मच लाल मिर्चा यूज़ किया है। थोड़ी सी अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। अब हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। हम फटाफट से अपनी पकौड़ियाँ तल के निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में घी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें थोड़ा सा हम बैटर डाल के देखेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। हमारा तेल बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम फटाफट से अपनी सारी पकौड़ियाँ तल लेते हैं। हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारी पकौड़ी थोड़ी सी फूल गई है। हमारी पकौड़ी तैयार हो चुकी है। हम इसे फटाफट से निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी पकौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम अपने सारे पकौड़ियाँ बना लेंगे। इसके बाद हम अपनी कढ़ी बनाना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे कढ़ी के लिए छोटी छोटी पकौड़ियाँ बनाई हैं, क्योंकि ये कढ़ी में जाने के बाद खिल जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। अगर आपको इससे बड़े साइज़ की पकौड़ियाँ बनानी है तो इससे बड़े साइज़ की पकौड़ियाँ बना सकते हैं। जिस बर्तन मैंने पकौड़ी बनाई थी उसी बर्तन में मैं सेम कढ़ी बनाना स्टार्ट करूँगी। उस पर मैंने सबसे पहले 4 बड़े चम्मच बेसन लिया हुआ है। अब हम इसे पतला फेंट लेंगे। हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे क्योंकि हमें इसे इसकी कढ़ी बनानी है। हमने अपने कढ़ी के बैटर को अच्छे से वो मैश कर लिया। इसमें कोई भी गुठलापन नहीं है। अब इसका हम पतला घोल तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। ये हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। मैंने इसे इतना पतला रखा है क्योंकि अब हम इसे चुराएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए बढ़िया से। अपना कढ़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बर्तन में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला हुआ है। मैंने अभी थोड़ा सा ही तेल डाला है क्योंकि अभी हमें इसे ऊपर से छौंक करते हुए भी तेल डालना है। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे। हल्दी मैंने तकरीबन 1 छोटे चम्मच लिया है। इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च हम मज़े से डालेंगे। मैंने तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्च यहाँ पे चॉप कर ली है। अब इसमें हमने जो बेसन का घोल मिला के रखा था उसे ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। कढ़ी हमारी जब तक हो नहीं जाती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इसका चलाना हम लोग छोड़ेंगे नहीं, वरना हमारी कढ़ी फट जाएगी। फटने पे फिर कढ़ी का वो स्वाद नहीं आएगा जो कढ़ी का आता है। अब हम अपने कढ़ी में अमकरी डाल देंगे। ये अमकरी आपको बाज़ार में ईजिली मिल जाएगा। इसे मैंने 5 मिनट पहले भिंगो के पानी में रख दिया है। अब हम इसे कढ़ी में अपने डाल देंगे। अब हम इसमें अमकरी डाल देंगे। इसे अच्छे से चला लेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और अमकरी का स्वाद बहुत ही अच्छे से खिल के आता है। मैंने यहाँ पे दही का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जब तक हमारी कड़ी गाढ़ी नहीं जाती तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। हमारा कड़ी थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हम यहाँ तकरीबन 2 बड़े चम्मच डालेंगे। इसे अच्छे से चला देंगे। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डाल सकते हैं। हमारा कढ़ी अभी थोड़ी देर और होगा। अब ये हमारी कढ़ी देखिए खोलने लगी है। अब इसमें हम हमारी पकौड़े डाल देंगे। डालने के बाद थोड़ा सा और पकाएंगे। कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। उसके फटाफट छौंकन की तैयारी कर लेते हैं। अच्छा नहीं लगेगा। उसमें सरसों का तेल डालेंगे। थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हमने यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो देसी घी में भी इसको छौंक सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें हम राई डालेंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। मैंने इसमें एक लाल मिर्चा डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। हमारा हो चुका है छौंक। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और इसमें करी लीव्स डाल देंगे फटाफट से। अब हमने इसे अपने कढ़ी में छौंक डाल दिया है। इसे अच्छे से चला देंगे। अब इसे हम एक बर्तन में आपको खाली करके दिखाते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारी गर्मा गर्म पकौड़ी वाली कढ़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे झटपट से बना सकते हैं। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय।